कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 13 अध्याय 13 अवकल समीकरण। निम्न प्रश्न के लिए सत्यापित कीजिए कि दिए हुआ फलन अस्पष्ट अथवा स्पष्ट संगत अवकल समीकरण का हल है। एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टू वाई स्क्वेयर लागू है, जबकि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। दिए गए फलन है क्या एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टू वाई स्क्वेयर लागू है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, एक बार अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष जब हम इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये इधर हो जाएगा 2x। अब इधर तो दो पद हैं, तो दो पदों के हिसाब से जो अवकलन होगा तो हम ये 2 को कॉमन निकाल लें। अब अगर y स्क्वायर को ज्यों का त्यों रहने देते तो इसका अवकलन होगा 1/y, dy बाय dx आएगा जिसको हम कॉमन बाद में आखिर में लिख देंगे। फिर y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2y, y स्क्वायर का 2y log y को ज्यों का त्यों, और दोनों ही पदों के साथ क्या आएगा dy बाय dx। इसको ध्यान से देखिए तो हम इसको कुछ इस प्रकार से क्या 2x इक्वल टू 2 वाई स्क्वेयर वाई, एक वाई से वाई कट गया। अब हमारे पास यहां 2y लाग वाई छोटा कोष्टक dy बाय dx, 2 से 2 को काट देंगे, 2 से 2 को काटने पर x y प्लस 2y log y dy बाय dx। अब dy बाय dx को इधर रहने दो, इसको अगर इधर ले जाए तो ये इसके बटे में जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी dy बाय dx इक्वल टू x बाय, दोनों में y, y को कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या आ गया 1 प्लस 2 log y। प्रूव करने को जो पद दिया है वो कुछ इस प्रकार से है क्या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। हमको ये बताना है कि दिए गए समीकरण का हल है या नहीं, तो अब हम इसमें क्या कर ले ये हमको बतलाना है, तो इसमें हम कौन सा LHS ले लेते हैं। LHS मतलब क्या, हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई। अब डी वाई बाय डी एक्स की ये वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, तो ये वैल्यू को रखने पर देखिए क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाय डी एक्स क्या आएगा, वो आएगा एक्स बटे वाई 1 प्लस 2 लाग वाई माइनस एक्स वाई। आगे जब इसके बटे में कुछ नहीं मतलब एक LCM लेंगे, तो LCM जब लेंगे तो LCM आ जाएगा क्या वाई 1 प्लस 2 लाग वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस एक्स वाई। अब सीधी सी बात है इसका पूरा गुणा हो जाएगा, जब गुणा होगा तो वाई का वाई में गुणा होगा तो वाई स्क्वेयर ब्रैकेट में 1 प्लस 2 लाग वाई। ध्यान से देखिए तो यहां पर जो वैल्यू होगी कुछ इस प्रकार से, हम में से सब जानते हैं कि इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x सारे पदों से यदि हम कॉमन निकाल लें, x सारे पदों से कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर जो ये आएगा पहला एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है ये
इसका इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर का इससे गुणा हो जाएगा तो माइनस टू वाई स्क्वेयर लॉग वाई बटे वाई वन प्लस टू लॉग वाई। ये दोनों तो एक दूसरे को पूर्णता क्या करते, घटा देते। अब घटा देने के बाद जो बचा हुआ पद है वो देखिए, एक्स यहाँ सर्पाकार कोष्टक या छोटा कोष्टक यहाँ लगाते, एक्स स्क्वेयर माइनस टू वाई स्क्वेयर लॉग वाई बटे वाई वन प्लस टू लॉग वाई। अब हमारे पास क्या, क्योंकि दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वेयर बराबर इसे टू वाई स्क्वेयर लॉग वाई। इसका मतलब अगर इसको हम इधर पक्षांतर कर दें तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू वाई स्क्वेयर लॉग वाई इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर, जीरो के बराबर आ जाएगी। तो ये वाला अंश पद क्या हो जाएगा, जीरो। ये अंश पद जैसे जीरो होता है तो कंडीशन देखिए, x इंटू जीरो y वन प्लस लॉग y, ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा, जीरो। अब हमने क्या लिया था, LHS हमने लिया था, ये LHS तो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इट मीन्स क्या आ गया, RHS। इसका मतलब LHS को लेने पर क्या आ जाता है, RHS। तो हम लिख सकते हैं अतः एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टू वाई स्क्वेयर लॉग वाई किसका, अवकल समीकरण हमारे पास जो दिया है, अवकल समीकरण कौन सा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबरी से शून्य का हल है। ये हमको प्रूव करना था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल, धन्यवाद।